आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर से मिलाने जा रहे हैं जिसने स्कूल वालों की लूट के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने ठाना है कि इस लूट को खत्म करके रखेंगे और अभिभावक अगर इसमें उनका साथ देते हैं तो जो उन्होंने बड़ा हुआ या बड़ी हुई फीस वसूली है वो भी लौटाएंगे और इसके अलावा उनको नियम से चलने के लिए बात भी करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं एबीपी लाइव में जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना सर का। दीपक सर, ये बताइए कि ये एक जो आपने मुहिम छेड़ी है, दो आप जन सुनवाई भी कर चुके, मतलब ये कह सकते हैं कि सबको मौका दिया, अभिभावक भी अपनी बात कर सकते हैं और स्कूल वाले भी, इसके अलावा जो प्रशासन की टीम है उसने भी एक फाइंडिंग दी होगी, तो क्या मोटी मोटी चीजें निकल के आई जो मतलब लगता है कि इसमें खुली लूट है? देखिए, मैं एक तो बड़ा क्लियर करूं कि ये केवल मेरे अकेले की मुहिम नहीं है, ये राज्य शासन ने इसमें निर्देश जारी किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किए हैं कि प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, पुस्तकों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। उन शिकायतों के लिए हमने यहाँ पे एक फोरम बनाया है, उस पर जाँच भी कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। हमने एक प्रयोग भी किया कि हम खुली सुनवाई करें, क्योंकि लोग डरते हैं शिकायत करने में, और जब प्रेस के लोग, मीडिया के लोग, प्रशासन के लोग जब सामने होते हैं तो लोगों को एक हौसला मिलता है, उसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। शुरू में जब हमने चालू की थी तो लोग शिकायत करने को तैयार नहीं थे, वो अपनी तरीके से शिकायत करते थे, और आप देखें पुस्तक मेले में हमने बात की लोगों से, फिर जब खुली सुनवाई है करी तो धीरे धीरे लोगों का हौसला बढ़ रहा है और लोगों को लग रहा है कि यदि हम सही बात प्रशासन के सामने रखेंगे तो उस पर कार्रवाइयाँ होंगी। सामान्य तौर पर लोग इसलिए डरते थे कि हम शिकायत भी कर दें और कार्रवाई भी नहीं हो तो क्यों बुराई बोल लें, इसलिए अब काफ़ी सारी शिकायतें सामने आ रही हैं और ये बड़ा क्लियर कट समझ में आ रहा है। स्कूल मैनेजमेंट जो फीस लेने को लेके या पुस्तकों को लेके उन्होंने जो भी पॉलिसीज बना रखी है और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। जो 2017 में हमारे नियम लागू हुए हैं उन नियमों का वो पालन नहीं कर रहे हैं और सरेआम नहीं कर रहे हैं, कई अनुचित फीस वो वसूली कर रहे हैं, अनुचित तरीके से पुस्तकों का चयन कर रहे हैं, अनाप शनाप कीमत पर पुस्तकें और किताबें कॉपियाँ जो हैं वो लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मोटे तौर पर ही कहा जाए तो अभिभावकों को भी जेब पे बहुत ज्यादा भार डाला जा रहा है। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा जो अभी मेरे को शिकायतों की सुनवाई करने में ही समझ में आया कि जैसे मान लो आपके कक्षा 2 है या कक्षा 3 है, सरकार ने हर कक्षा के लिए बस्ते का वजन निर्धारित कर रखा है कि आप 2 किलो या 3 किलो का वजन आप ले सकते हैं। अब स्कूलों ने क्या किया कि वो 6-6, 7-7 किलो की किताबें और स्टेशनरी उसमें ला दी, उन्होंने अपने स्तर से सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दी, उन्होंने जो है शेड्यूल्ड कर दिए कि 3 महीने ये किताब पढ़ाई जाएंगी, 3 महीने ये किताब पढ़ाई जाएंगी, 3 महीने मतलब जो 3 किलो की किताबें आना थी, 3 किलो की किताब को उन्होंने 4 पार्टों में डिवाइड करके 12 किलो की कर दी। तो 3 किलो का यदि खर्चा आपका 5,000 रुपये लग रहा है तो 12 किलो का आपका 20,000 लग रहा है। तो ये बेसिकली मुझे जो समझ में आ रहा है, मैंने स्कूल के मैनेजमेंट से बात की कि भाई आपने किस लॉजिक की वजह से ये किया है, कोई लॉजिक वो प्रस्तुत कर नहीं पाए। मोटे तौर पे जो पेरेंट्स थे, हम लोग जब उपस्थित थे तो एक ही लॉजिक समझ में आया कि कैसे भी करके कितना पैसा आप लोगों से, पेरेंट्स लोगों से वसूल कर सकते हैं। तो इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है और सख्ती से लगाने की आवश्यकता है। ये जो पेरेंट्स ने भी शिकायत की होगी और जो अपनी कमिटी होगी उसने फाइंडिंग किया, किस मतलब फीस तो ठीक है, ट्यूशन फीस ले रहे हैं, इसके अलावा और किस किस तरह की फीस लेने के प्रकरण आए सामने? देखिए, मोटे तौर पे जो इसके स्कूल की जो फीस है वो तो है ही सही। हाँ। इसके अलावा हमारे पास जो शिकायतें आई हैं वो ये भी आई हैं कि कुछ ऐसा पैसा भी वसूल किया जाता है जो कि रिकॉर्ड पर नहीं है, जैसे वो इंटरेस्ट मनी के तौर पर कुछ पैसा ले लेते हैं, कहते हैं बच्चे लोग जो है जिद करते हैं, कुछ खाने पीने का उनको इंतजाम करना रहता है तो 5,000 रुपये उसके लिए ले लिए। पिज्जा विज्जा खिलाने की बात करते हैं, अब वो बच्चे जो डिमांड करते होंगे वो खिलाते होंगे, उनका कहना है कि भाई चूंकि हमारा पूरा रहता तो शनिवार के दिन अब बस्ता नहीं लाते तो बच्चों को एक फॉर्मल माहौल में रखते हैं, तो बच्चे कहते हैं हमको कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, पिज्जा खिलाइए, पास्ता खिलाइए। तो ये वैसे बेसिकली स्कूलों को ये नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है। और इस तरह के लिए गए कुछ आई कार्ड बना रहे हैं, आई कार्ड भी बहुत महंगे महंगे आई कार्ड बन रहे हैं, 450-500 रुपये के आई कार्ड बन रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी बाध्य कर रहे हैं और हर साल नए चेंज किए जाएंगे ये भी बाध्य कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़, बस में बैठा है तो उसके लिए एक अलग बेजिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरी दे रहे हैं उस डायरी की कीमत 2,500-2,500 रुपये रख दे रहे हैं जबकि उसकी लागत जो है बहुत कम है। तो जब मैंने शिकायतें आई और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लागत की तुलना में कितना पैसा ले रहे हैं, मान लो जैसे आई कार्ड है, आई कार्ड पड़ता पड़ा कि उनका 30-40 रुपये में बन रहा है, जब 30-40 रुपये में आई कार्ड बन रहा है तो आप 450 रुपये में पेरेंट्स को क्यों दे रहे हो, ये डायरी आपकी यदि मान लो 60-70 रुपये में छप के आ रही है तो आप उसको 2,500 रुपये में क्यों दे रहे हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको रेगुलराइज करने की जरूरत है और खासतौर यूनिफॉर्म में बहुत सारा गोलमाल है, यूनिफॉर्म में बहुत गोलमाल है। यूनिफॉर्म कई स्कूलों में ये शिकायत आई है कि यूनिफॉर्म वो सप्लाई करते हैं और यूनिफॉर्म की जो कीमत है 7,000 रुपये से लेकर 16-17,000 रुपये तक है, एक एक स्कूल 2-2, 3-3 यूनिफॉर्म रख रहा है,
कि आपको पर्टिकुलर डेज में अलग पहन के आना है, दूसरे अलग डेज में पहन के आना है, कुल मिलाकर उसका जो भार है वो पालक पे पड़ता है। तो एक एक ये सब चीज, एक जो मेन मोटिव था आपका इस पूरे अभियान का, एक तो किताब सही कॉपी किताब सही रेट पे मिले, यूनिफॉर्म पे जो बदमाशी थी वो मिले, और इसके अलावा जो फीस अनाप शनाप ले ली है उन्होंने बिना परमिशन के या बिना अनुमति के जो प्रसादी होती है, अब वो फीस अगर किसी ने बढ़ी हुई ली तो उसको वापस दिलाने के लिए आप इसमें एक्ट में प्रोविजन है। एक्ट में सरकार ने जो कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला समिति गठित है, उस जिला समिति को ये अधिकार दिए हैं कि यदि कोई औचित्यहीन फीस है तो उस औचित्यहीन फीस को वापस करने के लिए हम आदेशित कर सकते हैं, और स्कूल प्रबंधन यदि उसको वापस नहीं करता है तो उसकी हम आरआरसी जारी करके वसूली भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक ये भी है कि स्कूल प्रबंधन के सामने अपील के भी अधिकार हैं, वो चाहे तो यदि मान लो जिला प्रशासन कुछ गलत उनके आदेश करता है या उनको लगता है कि गलत आदेश हुआ है तो उसकी वो अपील भी कर सकते हैं। तो जो भी कानूनी अख्तियारात हमारे पास है और जो भी कानूनी प्रावधान है, यदि उनका वायलेशन हुआ है तो हम उसका पालन कराएंगे। तो ये थे जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना जी, तो लगातार इस मामले को लेकर जो अभिभावक की पीड़ा होती थी, दर्द होता था कि उसकी मोटी जेब कटती थी फीस के नाम पे, बस्ते के नाम पे, कॉपी किताब यूनिफॉर्म के नाम पे, तो उन्होंने एक शासन के मतलब जो मंशा है, जो सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप एक पहल करते हुए अभिभावकों को अपील की कि वो सामने आए, अपनी बात रखें, और उनका कहना है कि जो भी न्याय संगत होगा, जो कानून के मुताबिक होगा, जो वाजिब होगा, वही स्कूल वाले को करने दिया जाएगा, और बाकी अगर वो किसी भी तरह की गलत प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर निश्चित तौर पर रोक लगाई जाएगी।